फाइव। चलो अच्छे दोस्त बन जाएं। लगता है छोटी रेलगाड़ियां गप्पे मार रही हैं और मजे कर रही हैं। तो सबसे अच्छी मालगाड़ी को ट्रेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। वाह, क्या सच में? ऐसा ही हुआ था। सिंग सिंग आई है, इसका काम खत्म हो गया होगा। सिंग सिंग, हाय सिंग सिंग। हेलो। सुनो सिंग सिंग, यहाँ आ जाओ, डीजल मजेदार कहानी सुना रहा है। सच कहा, मेरी तो हंसी ही नहीं रुकी। अगर तुम चाहो तो मैं पूरी कहानी फिर से सुना सकता हूँ। सॉरी, मुझे आज जल्दी सोने जाना है। बाय। ठीक है। मुझे पता था। क्या पता था? यही कि सिंग सिंग हमारे साथ नहीं खेलना चाहती। मुझे लगता है सिंग सिंग को अकेले रहना ज्यादा पसंद है। वो कभी हाय कहने के लिए धीरे नहीं होती और हंसती भी नहीं है। क्या सच में? हमेशा अकड़ में रहती है। मैं अकड़ में नहीं रहती, कल मुझे सुबह काम के लिए जल्दी उठना है। जूजू शहर में एक नया दिन। सिंग सिंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सुनो सिंग सिंग, नहाने जा रही हो क्या? हाँ टीटीपो। डीजल ने सही कहा, सिंग सिंग कभी भी मुस्कुराती या हंसती नहीं है। कितना अच्छा लग रहा है अब। सिंग सिंग, लाला, मैं मिस्टर हर्ब की तरह लग रहा हूँ ना? हाँ थोड़े थोड़े तो। टीटीपो, तुम तैयार हो? काम पर जाने का समय हो गया। अरे वाह। तुम हंस पड़ी। टीटीपो, अगर तैयार हो तो अपने रूम पर जाओ। ठीक है। मैंने वैसे ही बोला था ना। हाँ। स्टेशन आ गया। चलो पहुंच गए। काम पूरा हो गया। सिंग सिंग, मेरे लिए रुको। हाय टीटीपो, तुम सच में तेज हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है तुम लकी हो। सच में? क्यों? तुम सबके बहुत अच्छे दोस्त हो टीटीपो। मुझे भी सबका दोस्त बनना है, पर मुश्किल है। हाय सिंग सिंग। बाय सिंग सिंग। मैं सबसे बहुत ज्यादा तेज हूँ और मैं बहुत कम स्टेशन पर रुकती हूँ, तो मैं हाय भी नहीं कह पाती, लेकिन मैं सबकी अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ। तुम अच्छे दोस्त बनाना चाहती हो? मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम करोगे? विश्वास करो, मैं कर सकता हूँ। मेरे पीछे आओ। ठीक है। टीटीपो ने फैसला किया कि वो दूसरों से दोस्ती करने में सिंग सिंग की मदद करेगा। शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम सबको हंसाओ। सबको हंसाना है? मुझे देखो। देखा, हंसी आई है ना? हाँ। बढ़िया, अब तुम कोशिश करो। मैं? मुझे ये सब बहुत अजीब लगेगा। इससे सबको हंसी आएगी, देख लेना। चलो ठीक है। ये कैसा था? लगभग ठीक किया, चेहरे को थोड़ा और बनाने की कोशिश करो। ये बिल्कुल ठीक था। पर ये बहुत मुश्किल था। अब हम स्पीड पर काम करेंगे। स्पीड तो मेरी बहुत तेज है ही। सिंग सिंग। रुक जाओ। क्या हुआ टीटीपो? मैं तो बस कहना चाहता था स्पीड कम करो। स्पीड कम करूं? हाँ हाँ।
हाँ? तुम हमसे तेज हो तो हम सबके लिए तुम्हारे साथ चलना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा धीरे चलने की कोशिश करो। तब तुम्हें हमसे बात करने का समय मिल जाएगा। तुम ऐसा करोगी तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, धीरे चलो धीरे चलो। अब तीसरी बात, अपने दोस्तों की तारीफ करो। तारीफ? हाँ, सभी ट्रेन्स को तारीफ सुनना अच्छा लगता है। अच्छा तो मेरी तारीफ करो। तुम्हारी? अभी करूँ? हाँ शुरू करो। मैं जानता हूँ मेरी बहुत खूबियाँ गिनवाई जा सकती हैं। तुम सबसे अच्छी रेलगाड़ियों में से एक हो। सच में? मुझे भी लगता है मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरी कौन सी बात तुम्हें बहुत अच्छी लगी, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब चलो भी बताओ ना। टिटीपो टिटीपो से सीखने के एक दिन के बाद दोनों अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें अभी तक आ जाना चाहिए था। लो वो आ गए। तुम ये कर सकती हो। टिटीपो सिंग सिंग भी यहाँ है। हेलो हेलो दोस्तों, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अरे वाह, दिखाओ ना क्या दिखाना चाहती हो? ठीक है, दिखाओ हमें। तैयार हो? सिंग सिंग, क्या हुआ तुम्हें? बीमार तो नहीं? लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जल्दी से टीओ को दिखाओ। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। तुम पहले जैसी नहीं लग रही हो। कुछ तो अजीब है। सुनो दोस्तों, सिंग सिंग तुम दोनों को कुछ बताना चाहती है। अच्छा क्या बात है? शुरू हो जाओ। अब तुम जल्दी से इन दोनों की तारीफ करो। जेनी, मुझे लगता है तुम एक मजबूत और बहुत मेहनती रेल हो। तुम्हें सच में लगता है मैं मजबूत हूँ? हाँ। डीजल, तुम बहुत साफ सुथरे और प्यारे हो। सिंग सिंग, मुझे लगता है तुमने उल्टा बोल दिया। नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि जिनी साफ सुथरी और डीजल बहुत ताकतवर है। मैं ठीक से नहीं कह पाई। मैंने पहले तुम्हें गलती करते हुए नहीं देखा। मैंने भी नहीं। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, मैं सच में मजबूत हूँ। और मैं जितना तुम सोचती हो उससे ज्यादा साफ हूँ। काम बन गया। टिटीपो, सिंग सिंग, शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की इसलिए मैं सबकी दोस्त बन पाई। देखा सिंग सिंग, मैंने कहा था ना मैं मदद कर सकता हूँ। अब सिर्फ एक काम बाकी रह गया है। कौन सा काम? एक साथ घूमने के लिए जाना। कहीं घूमने के लिए जाना है? बाहर घूमने जाना दोस्ती बढ़ाने का अच्छा तरीका है। तुम जाकर डीजल और जीनी से पूछो कि वो हमारे साथ घूमने चलेंगे। ठीक है। हेलो दोस्तों, अब उनसे पूछो, जाओ ना। क्या हम चारों घूमने के लिए साथ चले? बहुत अच्छा आइडिया है, सब जाएंगे तो कितना मजा आएगा। मैं तैयार हूँ। मैं भी। आखिरकार पिकनिक पर जाने का दिन भी आ गया। वाह, कितना अच्छा दिन है। सच में बहुत अच्छा। बंदरगाह सबसे अच्छी जगह है क्योंकि वो समुद्र के किनारे है। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। रास्ते में बात करना कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा। थोड़ा और आगे जाएंगे तो समुद्र नजर आने लगेगा हमें। हाँ सिंग सिंग। जी मिस्टर हर्ब। आज बहुत ज्यादा टूरिस्ट हैं, इसलिए हमें एक्सप्रेस ट्रेन की जरूरत है। क्या तुम आज दोपहर को काम कर सकती हो? जी। शाबाश, जल्दी से आकर तैयार हो जाओ।
ठीक है। क्या तुम्हें सच में जाना पड़ेगा? हाँ मिस्टर हर्ब, को मेरी जरूरत है। पर हम बस पहुँचने ही वाले हैं। सॉरी दोस्तों, मैं सिंह सिंह के साथ खेलना चाहती थी। मैं भी। हाँ मुझे एक अच्छा आइडिया आया है। सच में? मेरे पीछे आओ। ए रुको। सिंह सिंह ने काम पूरा कर लिया है और अब घर लौट रही है। काश मैं पिकनिक पे जा पाती। सिंह सिंह, कैसी हो दोस्त? अरे दोस्तों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो पिकनिक? हम तुम्हारे बिना घूमने कैसे जा सकते थे? साथ में घर जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। पिकनिक हम फिर कभी चले जाएंगे। शुक्रिया, तुम सब बहुत अच्छे हो। हमें शुक्रिया मत बोलो, अच्छे दोस्त ऐसे ही होते हैं। सही कहा। अपने अच्छे दोस्तों की वजह से सिंह सिंह आज बहुत खुश नजर आ रही है। मेनू में कुछ खास है। एक बहुत ही अच्छा दिन और ये आ रहा है टीटीपो। हेलो मिस्टर हर्ब। ओ टीटीपो, गुड मॉर्निंग। आज तुम बंदरगाह जा रहे हो ना? हाँ मिस्टर हर्ब, काम के लिए तैयार हूँ। ओ आगे तुम, इससे मिलो। ये है टीटीपो और ये है मैनी, इस शहर की नई मालगाड़ी। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। तुम दोनों ही बंदरगाह जा रहे हो, इसलिए तुम साथ साथ जा सकते हो। तुम आगे आगे चलो। ठीक है। टीटीपो और मैनी बंदरगाह के लिए चल पड़े। काम खत्म करने के बाद मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा। मजा आएगा, वो सब तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। आ यहाँ एक और तुम्हारी जैसी ट्रेन है, डीजल। अच्छा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो इससे पहले तुम क्या काम करते थे? मैं खदान में काम करता था। अरे वाह, मैं एक खदान में जा चुका हूँ, बहुत अच्छी जगह है। हाँ, लेकिन खदान में हमेशा सावधान रहना होता है। क्यों? पता है, एक बार एक सुरंग टूटकर मुझ पर गिर गई थी। तो फिर तुमने क्या किया मैनी? मैं चट्टानों को तोड़ता हुआ बाहर निकल आया। तुम चट्टानों के बीच से निकल आए? वाह, तुम कितने मजबूत और बहादुर हो। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है। अरे मुझे लगता है हम पहुंचने वाले हैं। जल्दी पहुंच गए। सुनो मैनी, बाद में मुझे ऐसे और किस्से सुनाओगे? जरूर सुनाऊंगा। बाय टीटीपो, अच्छे से काम करो। बाय, बाद में मिलते हैं। यही वो बंदरगाह है जहाँ मैनी काम करता है। अगली मालगाड़ी। यहाँ हूँ मैं। मैं आ गया। ओ, तुम जरूर नई मालगाड़ी हो। हाँ, मेरा नाम मैनी है। दमदार मैनी, चलो शुरू करते हैं फिर। जरूर। आप सबका स्वागत है। कैसी है टीटीपो? टीटीपो। हेलो। हाय। ओ, ये तो मैनी है। तो पीछे के हिस्से में भी सामान रख दूं? जरूर, मैं आगे निकल जाता हूँ। लेकिन क्यों? अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं तो तुम्हें लोड करने में आसानी होगी। ओ, तुमने काफी कमाल का सोचा। ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। वाह, मैनी कितना अच्छा है। काम खत्म करने के बाद टीटीपो चूचू शहर में वापस आ गया। हाय दोस्तों। हाय टीटीपो। तुम्हारा काम खत्म हो गया? हाँ, आज जो नई रेल आई है तुम उसे जानते हो? क्या नई रेल आई है? अरे हाँ, तुम अब तक नहीं मिले। उस मालगाड़ी का नाम है मैनी। नई मालगाड़ी आई है? हाँ, नारंगी रंग पे पीली और काली धारियाँ हैं। उसकी आवाज़ भारी है और काम जबरदस्त करता है। एक नई रेल जबरदस्त कैसे हो सकती है? सच कह रहा हूँ, मैंने देखा, उसकी तारीफ भी हो रही थी। कमाल की बात है ये। एक बार खदान की सुरंग गिर गई थी और वो उसमें फंस गया था, फिर वो चट्टानों को तोड़ते हुए बाहर आ गया। वाह, कमाल है। सच में क्या? डीजल, क्या तुम सोच रहे हो मैनी तुमसे ज्यादा ताकतवर है? ये बात नहीं। बंदरगाह जाने का समय हो रहा है।
जाओ। ठीक है जीनी और सिंह सिंह, तुम भी तैयार हो जाओ। ठीक है, बाद में मिलते हैं टिटी पा। ठीक है। वाह, बहुत सुंदर। सतरंगे रंग पर पीली काली धारियां, टिटी पो ने तुम्हारे बारे में बताया था। ओ? तुम नई ट्रेन हो, है ना? ओ, हाँ, मैं आज ही यहाँ आया हूँ। मुझे तो इसकी आवाज भारी नहीं लगी। तो तुम अभी क्या कर रहे थे? मैं फूलों को देख रहा था। कितने सुंदर फूल है ना? सच में मुझे भी फूल पसंद है। मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ बहुत सारे फूल है। किसी दिन चलोगे? जरूर चलूंगा। मुझे काम है, अब मैं चलती हूँ। हाँ, मुझे भी जाना है। फिर मिलेंगे। डीजल बंदरगाह में पहुँच गया है। ठीक है, लोडिंग शुरू कर दो। ए, एक और नया बच्चा। ओ? तुम जरूर चूचू शहर में आई नई मालगाड़ी हो। स्वागत है बच्चे। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ओ, ये जरूर मैनी होगा जिसके बारे में टिटिपो ने बताया था। देखते हैं कितनी ताकत है इसमें। सामान रखना शुरू करता हूँ। रख रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ, मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक जगह खड़ा हुआ हूँ। मुझे तो ठीक जगह ही लग रहे हो। नियम तो नियम होते हैं, निशान पर ही रुकना चाहिए। यहाँ। अब शुरू कर दीजिए। नियमों को काफी मानने वाले हो। चलो अब मैं रखता हूँ। एक मिनट रुकिए प्लीज सर। कंटेनर्स आराम से रखिए आप। हाँ? क्यों? मेरी बोगी पर खरोंच आ सकती है। ठीक है, तो मैं आराम से रख देता हूँ। आपका शुक्रिया। अजीब बात है, मैंने सोचा था ये ताकतवर होगा। शायद टीटीपो को इसके बारे में पता नहीं होगा। हाँ, क्योंकि कोई भी मालगाड़ी मुझसे मजबूत नहीं हो सकती। टीटीपो, टीटीपो, टीटीपो। हाय डीजल। मैंने मैनी को देखा। अच्छा, वो बहुत मजबूत है ना? बिल्कुल नहीं, वो तो इस बात से एकदम उल्टा है। क्या? ये क्या कह रहे हो? हाँ, मैंने अपनी आँखों से देखा उसे। वो तो सामान को लोड करवाने में भी काफी घबरा रहा था। लेकिन मैनी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेलो सर। तो सामान रखना शुरू कर दूं क्या मैं? हाँ बिल्कुल, रख रहा हूँ। रुक जाइए। अब क्या हुआ बच्चे? प्लीज बहुत ध्यान से सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, मैनी ऐसा नहीं हो सकता। ओ, लेकिन वो है। हाय दोस्तों। हेलो, किस बारे में बात कर रहे थे? मैंने आज मैनी को देखा। मैं बस टीटीपो को वही बता रहा था। मैंने भी उसे देखा। मैनी और मैं फूल देखने जाएंगे। उसे भी फूल उतने ही पसंद है जितने की मुझे। क्या सच में मैनी ने कहा उसे फूल पसंद है? हाँ, हमारी बहुत सारी बातें मिलती जुलती है। फूलों की खुशबू का जवाब नहीं। मुझे लगता है तुम लोगों से गलती हो रही है। हमसे नहीं, तुमसे हो रही है। सही कहा, जैसा तुमने बताया वो उससे बिल्कुल ही अलग है। कितनी अजीब बात है। उसी समय सिंह सिंह ने भी नई ट्रेन को देखा। हाँ? ये जरूर मैनी होगा। आपका स्टेशन आ गया। मेरा काम खत्म। हाँ? हेलो। हेलो। हाँ? ये इतनी जल्दी स्टेशन तक कैसे पहुँच गया? क्या कोई मालगाड़ी मेरी जितनी तेज हो सकती है? हो गया, काम पूरा हो गया। काम पूरा करने के बाद मैनी वापस चूचू शहर आ गया। टीटीपो। ओ, मैनी आ गया। हाय मैनी।
आप सब से मिलकर अच्छा लगा। मैमी, क्या तुम्हें सच में फूल पसंद है? तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं ना। जब क्रेनी सामान रख रही थी तुम्हें डर लग रहा था। मैंने बताया ना, वो डर रहा था। माफ करना, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ मालगाड़ी इतनी तेज कैसे दौड़ सकती है। तेज अब समझ में आया। तुम भी जल्दी समझ जाओगे। हेलो, कैसे हो भाई? मैं अच्छा हूँ। एक जैसी दो मालगाड़ी, यहाँ दो मैनी हैं। हम जुड़वा भाई हैं। मेरा नाम बर्नी है। जुड़वा भाई? हाँ, देखने में एक जैसे लेकिन है बहुत अलग। बिल्कुल सही। तो जो फूलों को देख रहा था वो वो मैं था। और मैंने जिसे देखा, क्या वो भी तुम थे? हाँ। ये बताओ, जब मैंने तुम्हें पुल पर देखा था उसके बाद तुम स्टेशन इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए? जिसे तुमने स्टेशन पर देखा वो मैं हूँ, और पुल के ऊपर से मैं निकला था। तुमने पहले मुझे देखा फिर मैनी को। अब समझ आ गया सब। तुम दोनों तो सच में एक जैसे लगते हो। हाँ, मैं पहचान ही नहीं पाऊंगी। वैसे हम बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। जरा ध्यान से देखो, हम थोड़े अलग हैं। हमारी धारिया भी अलग है, देखो। अब ध्यान दिया मैंने। तुमसे तो मैं मिला ही नहीं। मेरा नाम है टीटी बो। मैं हूँ चीनी। मेरा नाम सिंह सिंह है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। और मैं यहाँ के सबसे दमदार मालगाड़ी डीजल। तुम सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। हम चूचू टाउन में तुम्हारा स्वागत करते हैं। चूचू शहर में दो नए दोस्त आए, उम्मीद है सब मिलकर रहेंगे। टीटीपो और सेटर घूमने गए। आज टीटीपो की छुट्टी है। हाय दोस्तों। टीटीपो, क्या कर रहे हो? मेरे साथ बाहर घूमने चलोगे? मुझे काम पर जाना है। मुझे भी। मुझे लगता है आज सेटर की छुट्टी है। बहुत बढ़िया, मैं सेटर को कहता हूँ मेरे साथ चलने के लिए। मुझे नहीं लगता कि वो जाएगा। सेटर को चूचू टाउन से बाहर जाना पसंद नहीं। घूमने जाने के लिए भला कौन सी ट्रेन मना करेगी? बाद में मिलता हूँ, बाय बाय। तुम देखना, वो उसके साथ नहीं जाएगा। ठीक है, चलो अभी ने सही से लगा देता हूँ। हाय सेटर। बाहर चल के खेलते हैं। खेलते हैं? आज तुम्हारी छुट्टी है तो हमें बाहर जाके खेलना चाहिए। मुझे चूचू टाउन में ही रहना पसंद है। लेकिन बाहर मजे करने के लिए बहुत कुछ है। चूचू टाउन में भी मजे करने के लिए बहुत कुछ है। सब लग गए। ट्रेन के डब्बों को लगाने का मजा ही कुछ और है। और जब सब रेल चली जाती है तब देर तक नहाने का मजा ही कुछ और है। ये जगह सही लग रही है। और दोपहर की झपकी का तो कहना ही क्या। चूचू टाउन का तो कोई मुकाबला ही नहीं। बाहर तो बहुत भीड़ और शोर है, इसलिए मैं तो यही रहूंगा। तुम अकेले ही घूम कर आओ टीटीपो। सेटर, इसे बाहर जाना पसंद क्यों नहीं है? हाँ, अगर मेरे साथ बाहर जाएगा तो उसे पक्का अच्छा लगेगा। इन पीले डब्बों की जगह यहाँ है। सेटर, तुमने डरा दिया। मेरे साथ बाहर चलो। सिर्फ एक बार सेटर, प्लीज एक बार चलो। माफ करना, लेकिन मुझे यहाँ ज्यादा मजा आ रहा है। तुम अकेले ही चले जाओ टीटीपो। लाल डब्बों की जगह यहाँ पर है। चलो भी सेटर। क्या तुम सच में यही रहोगे? सच में? मुझसे ठीक से काम नहीं हो रहा है टीटीपो, तुम्हारी वजह से मेरा ध्यान भटक रहा है। ओ, माफी चाहता हूँ। अरे नहीं, सब उल्टे उल्टे लग गए। अब तो बाहर चलोगे ना? मैं नहा कर आता हूँ। मजा आ गया। क्या
क्या अब मैं नहा लूं? पता नहीं कौन सी ट्रेन है जो इतना वक्त लगा रही है। मैं जल्दी से बाहर निकलूं। मैं माफी चाहता हूँ, आराम से नहाओ तुम। तुम नहा चुके सेटर, तुम्हें पता है मुझे नहीं नहाना, इससे अच्छा तो मैं बाहर जाऊँ और खूब खेलूं। क्या क्या कहा तुमने? तुम चलोगे? सुनकर अच्छा लगा ना? नहीं नहीं लगा। दोपहर की झपकी लेने के लिए सेटर जंगल में चला गया। मजा आ गया। सेटर! टीटीपो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा मैं भी झपकी ले लूं। अच्छा, तुम्हें एक अच्छी सी लोरी सुना दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आ आ सो जा छोटे बच्चे सो जा, ठीक है तुम जीते, तुम जीते, मैं चलूंगा, ठीक है? तुम चलोगे? हाँ चलूंगा, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। अच्छा ठीक है, देखना तुम्हें बहुत मजा आएगा, ये मेरा दावा है। टीटीपो और सेटर घूमने के लिए बाहर गए। अब बताओ तुम्हें बाहर अच्छा लग रहा है ना? शायद। हम पहुंच गए, वो रहा बंदरगाह। चलो चले। ठीक है। वाह। ए, कौन आया है यहाँ? ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये क्या है? सेटर, ऊपर देखो, ऊपर। तुम तो ईद का चांद हो गए हो। आओ, कैसे हो टीटीपो तुम? क्रेनी, पता है मैं कितना डर गया था। हेलो क्रेनी। मुझे लगता है क्रेनी को देखकर सेटर उदास हो गया। सेटर, आते जाते रहा करो। बाय, अब हमें जाना है, चलो चले। गुड बाय टीटीपो, ऐसे अजनबी मत बनो सेटर। ठीक है, अपना ख्याल रखना क्रेनी। कैसे हो दोस्तों? घूमने आए हो सेटर? हाँ आ ही गया। वाह, तुम्हारी बोगियाँ तो मैंने ही लगाई थी। हाँ, पर विश्वास नहीं हो रहा तुम टीटीपो के साथ घूमने निकले हो। मैं थोड़ी देर के लिए ही बाहर निकला हूँ। जरूर टीटीपो हाथ मरोड़ कर तुम्हें लाया होगा। वो नहीं, ऐसा नहीं है, वैसे भी सेटर आज बहुत मजे करेगा। तो जाओ और मजे करो, मैं काम पर चलता हूँ। अच्छा फिर मिलेंगे डीजल। सेटर चलो आगे चले। ठीक है। वापस मुड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करना होगा। हा? आगे बढ़ो और इस पे चढ़ जाओ। ठीक है, इस तरह? हाँ बिल्कुल ठीक। ये क्या, टर्न टेबल में कोई खराबी हो गई है। चक्कर आ रहे हैं। मुझे माफ कर दो। सेटर को कोई ऐसी जगह लेके जाना होगा जो उसे पसंद आए। सिंग सिंग सच में बहुत तेज है, कमाल की है। आहा, मुझे एक बहुत बढ़िया जगह याद आई जो तुम्हें अच्छी लगेगी। मेरे पीछे आओ। टीटीपो ने तय किया कि वो सेटर को एक शांत स्टेशन पर ले जाएगा। जगह कैसी है, अच्छी लगी ना? हाँ। मुझे पता था सेटर को यहाँ आकर अच्छा लगेगा, शुक्र है। जीनी, स्टेशन पर पहुँच गए, ध्यान से उतरना। वाह, इन डब्बों को मैंने लगाया था। हम पहुँच गए बच्चों, सब ध्यान से उतरना। टीटीपो, तुम सेटर को बाहर ले ही आए। हाँ। क्या तुम अपने रूट पर हो जीनी? हाँ, आज मैंने छोटे बच्चों को सैर करवाई। ये तो बहुत अच्छी बात है।
अरे देखो कितनी अच्छी ट्रेन। ये तो सच में बहुत अच्छी है। टीचर, क्या मैं इसके अंदर जा सकती हूँ? मैं भी। मुझे नहीं पता। सुनो ना प्लीज, अगर बच्चे ऊपर आ जाएं तो तुम्हें एतराज तो नहीं? मुझ पर? तुम काम कर रहे हो है ना? नहीं, काम तो नहीं कर रहा। सच? बहुत शुक्रिया। सेटर को ये अच्छा नहीं लगेगा। कितनी अच्छी है इधर से। सुनो बच्चों, कोई बटन मत दबाना। सेटर, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ। मुझे बुरा लग रहा है, मुझे इसे यहाँ नहीं लेकर आना चाहिए था। सुनो टीटीपो, अब हम शहर वापस जा रहे हैं ना? हाँ, वापस जा रहे हैं। मैं सेटर को दिखाना चाहता था कि बाहर कितना मजा आता है, लेकिन सब गड़बड़ हो गई। अरे बारिश होने लगी। जल्दी वापस चलो टीटीपो। बरसात भी आज ही होनी थी। सुनो सेटर। वाह टीटीपो, आकाश की तरफ देखो। एक इंद्रधनुष। सतरंगी इंद्रधनुष, कितना सुंदर है। ओ हाँ सेटर, माफी चाहता हूँ, तुम्हारा आज का दिन खराब हो गया। क्या? बंदरगाह में इतना शोर था, फिर वो छोटे बच्चे तुम पर कूदने लगे और फिर बारिश हो गई। गलत कह रहे हो, मेरा दिन बहुत अच्छा था। ओ सेटर, ग्रेनी से इतने दिनों बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। और अपने दोस्तों को काम करते हुए देखकर, खास तौर पर उन डब्बों के साथ जिन्हें मैंने जोड़ा था, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा टीटीपो। उन प्यारे बच्चों के साथ खेलकर भी मुझे बहुत मजा आया, और अब मैं इस सुंदर इंद्रधनुष को देख रहा हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, शुक्रिया टीटीपो। मुझे शुक्रिया मत कहो। कोई बात नहीं। मैंने ठीक कहा था है ना, बाहर जाकर खेलने में बहुत मजा आता है। हाँ, अब हम अक्सर जाया करेंगे। बहुत बढ़िया, अगली बार हम सबके साथ घूमने जाएंगे। सेटर और टीटीपो ने साथ मिलकर खूब मौज मस्ती की, बाहर खेलने में भी बहुत मजा आता है। चेकअप डरावने होते हैं। चूचू शहर की छोटी रेलगाड़ियाँ हमेशा की तरह अपना काम कर रही हैं। टीटीपो भी अपने काम पर जा रहा है। ठीक है, काम पर चला जाए। मैं इतना काम क्यों रहा हूँ? शुक्र है मैं रुक गया। हाय डीजल, क्या तुम्हारा काम हो गया? हाँ। और तुम बताओ, काम पर जा रहे हो? हाँ, लगता है तुमने आज बहुत मेहनत की। हाँ, मेरा काम खत्म हो गया है तो मैं आराम करूँगा घर पहुँच कर। अच्छी बात है। ओ, 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 फिर से नहीं। क्या हो गया? लगता है कुछ खराबी है, मैं कांप रहा हूँ। तो टीओ के पास जाकर तुम्हें चेकअप कराना चाहिए। चेकअप? चेकअप क्या होता है? ओ, अब मैं समझा कि तुमने कभी चेकअप नहीं करवाया है। मैं इससे थोड़ा सा मजाक करता हूँ। चेकअप बहुत डरावना होता है टीटीपो। बहुत डरावना होता है? हाँ, सच में डरावना होता है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। चेकअप के लिए तुम्हें सर के बल लेटना पड़ता है, तब टीओ एक बड़ी सुई वाला इंजेक्शन लगाता है। डीजल, अब तुम्हें इंजेक्शन लगाना है। इंजेक्शन? इंजेक्शन मत लगाओ तुम। आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हें ये इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। पर क्योंकि मैं बहादुर हूँ, इसलिए मैंने बिना डरे लगवा लिया। इतना दर्द होता है? बिल्कुल, दूसरी रेल तो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी मिस्टर हब, जल्दी से मेरे पास आओ। अभी आता हूँ।
पता नहीं मुझसे क्या काम है। फिर मिलता हूँ तुम्हारे चेकअप के लिए, गुड लक। हाँ शुक्रिया। चेकअप से डर लग रहा है। हाय मिस्टर हब। ओ आ गए तुम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। किस तरह की मदद? बंदरगाह जाने वाली एक ट्रेन खराब हो गई है और वो जा नहीं सकती, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं? मुझे नहीं जाना है, क्या मैं बीमार होने का नाटक करूं? लगता है कुछ खराबी है। हाँ यही ठीक रहेगा। मुझे ठीक नहीं लग रहा कुछ। क्या तुम बीमार हो डीजल? मैं कह नहीं सकता कुछ, मेरे ख्याल से मुझे चेकअप करवा लेना चाहिए। तो तुम अभी टीओ के पास जाओ। हाँ ठीक है। रुक जाओ डीजल। क्या? फिक्स लेफ्ट। यस सर। क्या तुम डीजल को टीओ के पास ले जा सकते हो? मैं कांप रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? मैं चेकअप नहीं करवाना चाहता। टिटिपो। हाँ? तुम्हारे काम पर जाने का समय हो गया है। ठीक है। हाय मिस्टर हब। तुम इस तरह कांप क्यों रहे हो? कांप रहा हूँ। मुझे लगता है निकलने से पहले तुम्हें चेकअप कराना चाहिए। क्या चेकअप? टीओ के पास जाओ और अपना चेकअप करवाओ। ठीक है। बाय मिस्टर हब। मिस्टर हब का आदेश मानकर टिटिपो टीओ के पास जाने के लिए निकल पड़ा। तुम ठीक तो हो ना डीजल? दर्द हो रहा है? कहाँ पर दर्द हो रहा है तुम्हें? कहाँ पर? यहाँ पर भी। और इन्हें पता नहीं चला कि मैं नाटक कर रहा हूँ। फिक्स? जी कहिए मिस्टर हब। खदान में एक एक्सीडेंट हो गया है। डीजल को छोड़ने के बाद जल्दी से वहाँ पहुँच जाओ। जी अभी जाते हैं सर। एक्सीडेंट? फिक्स तुम्हें वहाँ जल्दी जाना चाहिए, अब मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। तुम आराम से पहुँच जाओगे ना? हाँ बहुत ही आराम से। तो बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। ओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने टेस्ट तो कर लिए हैं और सब ठीक भी है। ये कैसे हो सकता है, मुझे जबरदस्त दर्द हो रहा है। मुझे डर लग रहा है। ये तो डीजल की आवाज है। चेकअप में बहुत दर्द होता होगा। छोड़ो इसे, मैं काम पर जा रहा हूँ। मैं थक गया हूँ। टीटीपो। हेलो सर। मैं फिर से कांपने लगा। क्या तुम बीमार हो? नहीं मैं ठीक हूँ, अब मुझे जाना है, जल्दी निकलना होगा। टिटिपो टिटिपो। क्या जबरदस्त नींद थी। डीजल। हाँ टियो। अब अच्छा महसूस हो रहा है तुम्हें? हाँ मैं पहले से काफी अच्छा हूँ। बढ़िया, तो तुम वापस काम पर जा सकते हो। काम? नहीं, दर्द फिर से शुरू हो गया है मुझे। मेरे ख्याल से मुझे कुछ देर और आराम करना चाहिए। हाँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आखिरी स्टेशन है, काम पूरा हुआ। मैं बहुत थक गया हूँ। अचानक से रुक क्यों गया? मुझे मदद के लिए मिस्टर हब को बुलाना चाहिए। मिस्टर हब, मिस्टर हब। अरे नहीं, मेरा रेडियो भी खराब हो गया, अब मैं क्या करूं? अरे बाप रे, टीटीपो खराब हो गया है। टीटीपो, टीटीपो। ये जवाब क्यों नहीं दे रहा है? हम आ गए मिस्टर। बहुत अच्छे, पर ये बताओ तुमने कहीं टिटिपो को देखा है? नहीं मैंने नहीं, कुछ खास बात
है? मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। टीटीपो, ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। ओ, टीटीपो को क्या हुआ? कुछ पता नहीं, उससे बात नहीं हो पा रही। उसे यहाँ चेकअप के लिए आना था। अरे नहीं, कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं हुआ? जियो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। डीजल, ये समय कहाँ जा रहा है? टीटीपो के लिए परेशान डीजल उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कहाँ हो सकता है? टीटीपो! डीजल! तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल चल नहीं पा रहा। मैं तुम्हें ले चलता हूँ, एक मिनट रुको। पकड़ लिया, अब चलते हैं टीटीपो। शुक्रिया डीजल। मिस्टर हब, डीजल, टीटीपो पटरी पर खराब हो गया था, मैं उसे टीओ के पास ले जा रहा हूँ। डीजल, लेकिन तुम भी तो बीमार हो ना? मैं ठीक हूँ, मैं पहले से बेहतर हूँ। बहुत अच्छा है, तो टीटीपो का पूरा ख्याल रखना। जरूर रखूंगा मिस्टर हब, तेज चलते हैं टीटीपो। ठीक है। टीओ, टीओ कहाँ गया? मैं उसे ढूंढता हूँ, तुम यहीं पर रुको। ठीक है। एक मिनट रुको डीजल। क्या हुआ? मुझे नहीं लगता मैं चेकअप करवा पाऊंगा, वो बहुत डरावना होता है। डरने की जरूरत नहीं है, चेकअप में बिल्कुल दर्द नहीं होता। लेकिन तुमने कहा था बहुत दर्द होती है। कहा तो था, पर मैं मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी टीटीपो। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ दोपहर को तुम्हारी दर्द से चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। अच्छा, वो तो मैं ऐसे ही नाटक कर रहा था। नाटक? हाँ, वो मैं काम नहीं करना चाहता था, इसलिए बीमारी का नाटक किया। तो फिर इसका मतलब चेकअप करवाने में दर्द नहीं होता? हाँ, बिल्कुल नहीं होता। तो फिर ठीक है, मैं चेकअप करवाने के लिए तैयार हूँ। डीजल? क्या कहा तुमने? मिस्टर हर्ब, नाटक कर रहे थे, मुझे तुम पर कार्यवाही करनी होगी। लेकिन टीओ, तुम्हें पहले जाकर टीटीपो का चेकअप करना चाहिए। बिल्कुल। हो गया। पूरा चेकअप हो गया। और दर्द भी नहीं हुआ ना? बिल्कुल ठीक। मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अब आगे से तुम रेगुलर चेकअप करवाते रहना। ठीक है मिस्टर हब। सब ठीक हो गया। तुम ये बताओ डीजल, तुमने बीमार होने का नाटक क्यों किया? ये बहुत गलत बात है, मैं पूरे दिन परेशान होता रहा। मैं माफी चाहता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा फिर। टीओ, मिस्टर हब, अगर डीजल मुझे यहाँ नहीं लेकर आया होता तो मैं मुसीबत में फंस जाता। डीजल ने ही मुझे चेकअप करवाने के लिए समझाया और अब मैं ठीक हूँ। टीटीपो, वैसे बात तो ठीक है, डीजल ने आज अच्छा काम भी किया है। डीजल, मैं तुम्हें इस बार माफ कर रहा हूँ, समझ गए? थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ डीजल। लेकिन सजा तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए, अब तुम्हें सफाई का काम करना होगा। क्या? मैं सुबह तुम्हारा काम देखने आऊँगा, सफाई हो जानी चाहिए। मुझे लगा आपने मुझे माफ कर दिया। झूठ बोलने से यही होता है। डीजल की वजह से टीटीपो ने अपना चेकअप करवा लिया, लेकिन डीजल अब बीमारी का नाटक नहीं करना। बनी का कमाल का हुनर। ये वो खदान है जहाँ मालगाड़ियाँ काम करती हैं। अब मेरी बारी है। अरे, मैनी आ गया। मैनी, आज पत्थर बहुत ज्यादा हैं, ले जाओगे ना? जी हाँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मैनी। वाह, मैनी कमाल का है। अरे बाप रे, संभल के रुको मैनी।
शुक्रिया मैनी। कोई बात नहीं। मैनी ने शानदार काम किया। इससे ज्यादा ताकतवर मालगाड़ी मैंने कभी नहीं देखी। हाँ, मैंने भी नहीं देखी। बहुत शानदार काम किया। हाँ, मैनी का कोई जवाब नहीं। बर्नी अपना काम खत्म करने के बाद चूचू शहर लौट रहा है। बर्नी। हेलो। 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 सुनो बर्नी, क्या कोई परेशानी है? मैं भी कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन लगता है नहीं हो पाएगा मुझसे। अगर तुम मेहनत करो तो एक दिन तुम मेरी तरह बन जाओगे। इसने सही कहा, मुस्कुराओ बर्नी। तुम्हें लगता है मैं भी डीजल और मैनी जैसा बन सकता हूँ? तुम उन दोनों के जितने ही अच्छे बनोगे बर्नी। शुक्रिया, लेकिन मुझे खुद पर यकीन नहीं। क्यों नहीं, बस तुम्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो डीजल, तुम मेरी मदद करोगे? मदद? मुझे भी ताकतवर बनना है, बिल्कुल तुम्हारे और मैनी की तरह, पर समझ नहीं आता कि कैसे बनूं। तुम ताकतवर रेल बनना चाहते हो मेरी तरह? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शुक्रिया डीजल। डीजल बर्नी की मदद करेगा? डीजल ने बर्नी को ताकतवर मालगाड़ी बनने में मदद करने का फैसला किया। मजबूत मालगाड़ी की गरजदार आवाज होती है। गरजदार आवाज होती है? हाँ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। अब तुम कोशिश करो। याहू। अरे ये क्या कर रहे हो, तुम्हें चिल्लाना पड़ेगा ताकि आवाज गूंजे। ठीक है। याहू। याहू। बड़ा मुश्किल है। शाबाश, ये पहले से तेज थी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले सबक की ओर। क्या बस इतना ही? इस बार तुम बोगियों के साथ तेज दौड़ने की कोशिश करोगे। लेकिन बोगियों के साथ तेज दौड़ना खतरनाक होता है। तुम अच्छी मालगाड़ी बनना चाहते हो तो तुम्हें तेज दौड़ना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है। अरे बोगियां हिल रही हैं। दमदार मालगाड़ियां इसकी परवाह नहीं करती। तेज दौड़ो बर्नी। अच्छा ठीक है। उनकी प्रैक्टिस पूरी हुई। बर्नी और डीजल वापस शहर लौट रहे हैं। खुश हो तुम? अब तुम भी मेरी तरह दमदार गाड़ी हो। कह नहीं सकता, अभी कुछ नहीं हो पाया। वाह फूल। सुंदर, मुझे फूल बहुत पसंद है। मुझे ये समझ नहीं आता कि फूलों में ऐसा क्या खास है। वो सुंदर होते हैं। ये देखो खरगोश। हेलो खरगोश, मेरा नाम बर्नी है। बर्नी, मजबूत मालगाड़ियाँ खरगोशों के साथ नहीं खेलती, तो चलो चलते हैं। हाँ ठीक है, फिर मिलेंगे छोटे प्यारे खरगोश। जल्दी चलो। आ रहा हूँ। अगली सुबह बर्नी काम पर गया। अगली। गुड मॉर्निंग। ओह बर्नी, आज बड़े जोश में नजर आ रहे हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डीजल ने ठीक ही कहा था। दमदार ट्रेन तेज चलती है। युहू। ये क्या, बर्नी तो गिर गया। ये बुरा हुआ। टिटीपो टिटीपो। मिस्टर हब। तुम ठीक हो ना बर्नी? माफी चाहता हूँ मिस्टर हब। शुक्र है ज्यादा चोट नहीं लगी इसको। तुम्हारे गिरने की खबर सुनकर मुझे चिंता हो रही थी। जाओ अब थोड़ा आराम कर लो। जी सर। क्या सच में? सच में बर्नी का एक्सीडेंट हो गया?
हाँ, वो बहुत तेज जा रहा था, गिर गया। लेकिन बर्नी तो ऐसे कभी तेज नहीं जाता। मेरे ख्याल से वो मेरी वजह से गिरा होगा। ओ? दमदार मालगाड़ी बनने के लिए मैंने ही उसे तेज दौड़ने के लिए कहा था। तुमने कहा था? यहाँ इधर मैं नहीं बंदरगाह पर काम कर रहा है। सामान रख रहा हूँ, आराम से रख रहा हूँ। ये हो गया। शुक्रिया, फिर मिलूंगा तुमसे। अरे मैनी, उसमें नाजुक सामान है, ध्यान रखना। चिंता मत करो। तेज चलता हूँ। एक ही तो डब्बा है, तो थोड़ा तेज चल लेता हूँ। बंदर, जानवर खतरनाक होते हैं। मैनी को एक डरावनी पुरानी बात याद आ गई। ताजी हवा, वो क्या है? ये तो भेड़े हैं। अरे भेड़ो हट जाओ। हट जाओ मुझ पर से। मैं और आगे नहीं जा सकता। मिस्टर हर्ब, मैनी, क्या बात है? मेरे डब्बे में बंदर है, लगता नहीं है कि आगे जा पाऊंगा। तुम वहीं इंतजार करो। हाँ। मैं किसी को भेजता हूँ। ठीक है। बर्नी, मैंने सुना तुम गिर गए, कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन लगता नहीं कि मैं मजबूत मालगाड़ी बन पाऊंगा। बर्नी अब, जी कहिए मिस्टर हर्ब। क्या तुम अभी बंदरगाह जा सकते हो? कुछ जानवरों को लाते हुए मैंने मुश्किल में पड़ गया है। जानवर? मैंने जानवरों से बहुत डरता है। सच में? हेलो प्यारे खरगोश। चलो बर्नी, साथ चलकर मदद करो, तुम्हें जानवरों से लगाव है ना? हाँ? मदद? तो बर्नी और डीजल मैनी की मदद करने गए। मैनी, ओ बर्नी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी प्लीज। चिंता मत करो, सबसे पहले डब्बा अलग करो। ये डब्बा अलग क्यों नहीं हो रहा? अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। मैनी, बंदर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आराम से फिर कोशिश करो। ठीक है। वाह, अलग हो गया। शाबाश, बहुत बढ़िया मैनी। शुक्रिया। अब पीछे चलो। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया बर्नी। कोई बात नहीं। हाँ? लगता है ये बंदर अभी भी परेशान हो रहे हैं। ठीक कह रहे हो। एक गाना हो जाए। टीटीपो टीटीपो टीटीटी टीटीपो, मस्ती करो और चलते चलो, छोटी ट्रेन टीटीपो। टीटीपो टीटीपो टीटीटी टीटीपो। सारे बंदर शांत हो गए। वाह, क्या बात है। ये है मेरे भाई का कमाल। धूप खिले या बर्फ पड़े या हो बरसात का मौसम, हर दम चलते चलो, बिना रुके बढ़ते चलो। टीटीपो। काम खत्म करने के बाद मैनी, बर्नी और डीजल वापस चूचू शहर आ गए। तुम दोनों वापस आ गए? बर्नी, मैंने सुना तुमने बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा, सबसे बढ़कर। शुक्रिया मैनी। डीजल, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, बर्नी तुम्हारी वजह से गिर गया था। ये क्या कह रहे हो तुम? देखो बात ये है, मैंने कहा कि अगर तुम अच्छी मालगाड़ी बनना चाहते हो तो तेज भागो। बर्नी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, बल्कि शुक्रिया, मुझे पता चल गया मैं किस काम में अच्छा हूँ। बिल्कुल ठीक, अगर जानवरों को लेके आना है तो बर्नी सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा। बर्नी, एक शानदार मालगाड़ी। शुक्रिया दोस्तों। आखिरकार बर्नी को अपनी खूबी पता चल गई। मुबारक हो बर्नी।